व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं दो टीमें बनाऊंगा और बाद में उन दोनों टीमों का करूंगा कंपैरिजन। गाइस एक टीम होगी महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी की टीम, दूसरी टीम होगी किंग कोहली विराट कोहली की टीम। और गाइस इन दोनों टीमों को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, जो धोनी की टीम में प्लेयर्स हैं गाइस वो ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जिन्होंने धोनी की कैप्टनसी के अंडर ज़्यादा क्रिकेट खेली है, और कोहली के अंडर जिन्होंने ज़्यादा जो है वो क्रिकेट खेली है कैप्टनसी के अंदर विराट कोहली की, वो विराट कोहली की टीम में प्लेयर्स होंगे। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस आप लोग ना बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना मत भूलना कि टीम धोनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर टीम कोहली। एंड गाइस आपको भी पता है कि ये दोनों ही कैप्टन जो हैं वो इंडिया के काफी महान कैप्टन रहे हैं। हालांकि विराट कोहली ने कोई ट्रॉफी नहीं जिताई, लेकिन गाइस विन परसेंटेज जो विराट कोहली का है ना वो धोनी से भी ऊपर है। तो दोनों ही ग्रेट कैप्टन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट ना किए बिना बनाते हैं सबसे पहले महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी की टीम। तो गाइस अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो वहां पर गौतम गंभीर आने वाले हैं धोनी की टीम में, उनका साथ देंगे गाइस वरिंदर सहवाग, काफ़ी खतरनाक इनकी ओपनिंग जोड़ी लग रही है। नंबर तीन पर गाइस सुरेश रैना को मैंने रखा है, ये भी धोनी की कैप्टनसी के अंडर काफ़ी खेले हैं इंडिया के लिए, मेरे हिसाब से धोनी की कैप्टनसी के अंडर ही खेले हैं, कोहली के अंडर ये खेले हैं कि नहीं खेले ज़्यादा तो नहीं खेले इतना तो मुझे पता है। नंबर चार पर गाइस युवराज सिंह सिक्सर किंग वहाँ पर आएंगे, सुरेश रैना युवराज सिंह ये दोनों ही गाइस जो है वो आपको बॉलिंग की ऑप्शन भी देते हैं, और इनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि नंबर पाँच पर महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी खुद आएंगे जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग भी करेंगे, इस टीम की कैप्टनसी भी करेंगे। नंबर छह की बात करूं तो गाइस धोनी की टीम में मैंने रखा है रॉबिन उथप्पा को, ये इस टीम में गाइस एज आ फिनिशर खेलेंगे। नंबर सात की बात करूं तो गाइस यूसुफ पठान वहां पर आएंगे, ये भी आपको बॉलिंग की ऑप्शन देते हैं और साथ में नीचे आकर तकड़ी पावर हिटिंग ये करेंगे। नंबर आठ की बात करूं तो गाइस इरफान पठान के साथ में गया, जो कि शुरुआती ओवरों में आपको विकेट्स निकाल के दे सकते हैं, स्विंग काफ़ी है इनकी बॉलिंग में, लेकिन हालांकि जैसे जैसे इनका करियर जो है वो ढलान पे गया था तो इनकी थोड़ी धार कम हो गई थी, लेकिन गाइस नीचे अगर बैटिंग भी कर सकते हैं। नंबर नौ की बात करूं तो गाइस इस टीम में एज अ स्पिनर जो मेन स्पिनर होंगे वो होंगे हरभजन सिंह। जी हाँ गाइस धोनी की कैप्टनसी के अंडर 2007 वर्ल्ड कप में हरभजन सिंह ने गाइस काफ़ी जो है वो खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी। नंबर 10 पर गाइस रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह वहां पर रहने वाले हैं, और नंबर 11 पर एस श्रीसांत के साथ में गया, मेरे पास यहां पर जाहिर खान का ऑप्शन था लेकिन फिर दो लेफ्ट हैंडर बॉलर हो जाने थे और ये T20 मैच होने वाला है, तो श्रीसांत जिस तरह की बॉलिंग करते थे ना गाइस T20 में खतरनाक बॉलर थे, अगर वो मैच फिक्सिंग में ना फंसते तो शायद आज भी इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में और IPL में धूम मचा रहे होते। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स खोलें, कमेंट करके बता सकते हैं श्रीसांत के बारे में। और गाइस इसके बाद ये टीम तो काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी है, देखते हैं क्या विराट कोहली की टीम इतनी स्ट्रांग बनेगी कि वो इस टीम को टक्कर देगी। तो चलिए गाइस फिर बनाते हैं ओपनिंग पर कमाल लाजवाब राहुल आने वाले हैं, नो डाउट कमाल लाजवाब राहुल वहां पर आएंगे, ही T20 स्पेशलिस्ट हैं, इनका साथ है कि गाइस रोज सुपर हिट मैन शर्मा काफ़ी खतरनाक, अगर वहाँ पर गंभीर सहवाग है यहाँ पर रोहित राहुल है। तो नंबर तीन की बात करूँ तो गाइस किंग कोहली खुद आएंगे जो कि हम इस टीम की कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर चार पर गाइस मैंने रखा है सुरेश अय्यर को, जी हाँ गाइस ये थोड़ा ज़्यादा खेले हैं विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर, सूर्य कुमार यादव अभी अभी आए हैं तो अभी वो इतना खेले नहीं है, तो इसलिए मैं सुरेश अय्यर के साथ गया। अगर आप लोग सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं नंबर चार पर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर पाँच पर गाइस ऋषभ ताबड़तोड़ पंत जो कि हम इस टीम की विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर छः पर हार्दिक कुंफू पांड्या आएंगे जो कि गाइस तकड़ी पावर हिटिंग करते हैं, हालांकि बॉलिंग आजकल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एक दो ओवर तो आपको करके दे सकते हैं आराम से। नंबर सात पर गाइस सर रविंद्र जडेजा आएंगे जो कि नीचे आकर तकड़ी पावर हिटिंग करेंगे, बेहतरीन ये फील्डर हैं और आपको बॉलिंग की ऑप्शन भी देते हैं, प्रॉपर चार ओवर करके देंगे आपकी टीम के लिए गाइज ये। नंबर आठ की बात करूं तो गाइज भुवनेश्वर कुमार द किंग ऑफ स्विंग। नंबर नौ पर मोहम्मद सेंसेशनल शमी। नंबर दस पर गाइज इस टीम में जो मेन स्पिनर खेलेंगे युजवेंद्र चहल के साथ में गया, जी हाँ गाइज काफ़ी खेले हैं कोहली की कैप्टनसी के अंडर, तो ये काफ़ी खेले हैं IPL में भी कोहली की कैप्टनसी के अंडर ही ये खेलते थे। और गाइज नंबर 11 की बात करूँ तो बूम बूम जसप्रीत बुमराह। तो गाइज ये दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, अगर एक तरफ गंभीर सहवाग है दूसरी तरफ राहुल शर्मा है, अगर एक टीम में कोहली कैप्टन है दूसरी टीम में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन है, अगर एक टीम में स्पिनर यूजी चहल है दूसरी टीम में हरभजन सिंह है, गाइज अगर एक टीम में सुरेश अय्यर है वहाँ पर सुरेश रैना है, अगर यहाँ पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है तो गाइज वहाँ पर युवराज सिंह है, काफ़ी खतरनाक दोनों ही टीमें बनी हैं। अभी गाइज आपका काम शुरू है, मेरा काम खत्म है, आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि अगर ऐसा कोई मैच हुआ तो कौन सी टीम जीतेगी
2007 वर्ल्ड कप की टीम जो है धोनी की टीम वो जीतेगी या फिर जो अभी टीम है विराट कोहली की वो जीतेगी। और गाइस, मैं इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।